हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज से ना मैं अपने चैनल देसी बुक पे सुपर गर्ल की एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रही हूँ, और साथ ही फ्लैश के बचे एपिसोड्स जब भी रिलीज हो जाएंगे ना, मैं उन्हें भी एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। और साथ ही आज से हमारे दूसरे चैनल 13+ पर भी बेंटेन शुरू होने वाला है, तो उसे भी देखना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन सुपर गर्ल सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है कारा यानी कि सुपर गर्ल के वॉइस ओवर के साथ, जो हम व्यूअर्स को बताती है कि कारा प्लैनेट क्रिप्टॉन पर रहा करती थी, पर एक दिन पूरे क्रिप्टॉन बर्बाद होने के कगार पर आ गई। तब कारा के पेरेंट्स ने कारा के कजन कार्ल एल यानी कि सुपरमैन को यहाँ से दूर दूसरे ग्रह यानी कि अर्थ पर भेजने का फैसला लिया। चूंकि अर्थ यानी कि पृथ्वी पर पीली सूरज पाई जाती है, इससे इन क्रिप्टोनियन को ना पावर मिलती है, इसलिए कारा की फैमिली ने अपने बच्चों की भलाई के लिए इन्हें पृथ्वी पर भेजने का मन बनाया था। चूंकि इस वक्त कार्ल एल मात्र 6 महीने का ही था, इसका ध्यान रखने के लिए कारा को भी इसके साथ जाना था। जहाँ पहले तो कार्ल एल की स्पेस पॉड निकल गई और फिर कारा की, पर इसकी पॉड में कुछ गड़बड़ी हो गई और ये गलती से कारा की पॉड पृथ्वी पर जाने के बजाय फैंटम जोन में जाकर अटक गई। तो फ्रेंड्स, फैंटम जोन ना एक ऐसी जगह है ब्रह्मांड में जहाँ वक्त ठहर जाता है। इसी वजह से कारा जब 24 सालों तक फैंटम जोन में फंसे रहने के बाद भी उससे बाहर निकली ना, तो कारा अभी भी 13 साल की लड़की थी और इसका भाई बड़ा हो चुका था, जो अब पृथ्वी पर सुपरमैन के नाम से जाने जाने लगा था। आगे सुपरमैन अपनी बहन की अच्छी भविष्य के लिए इसे डैनवर्स फैमिली को सौंप देता है, जिन्होंने सुपरमैन का ध्यान रखा था। जब ये क्रिप्टोन से सीधे इसका पॉट यहाँ इसी के गार्डन में गिरा था, तब डैनवर्स ने सुपरमैन को पाला पोसा था। चूंकि डैनवर्स पेशे से साइंटिस्ट थे, इन्होंने खुले दिल से सुपरमैन के पावर को एक्सेप्ट किया था, इसलिए सुपरमैन ने अपनी बहन कारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हें देकर यहाँ से वो चला जाता है। अब चूंकि कारा की ज़िंदगी का मेन मकसद अपने भाई की रक्षा करना था, पर इसका भाई तो खुद इस वक्त सुपर हीरो बन चुका था, कारा चुपचाप इन इंसानों के बीच एक साधारण इंसान की तरह रहने का मन बनाती है और फिर डैनवर्स फैमिली की मेम्बर बन जाती है, जिसमें इसे एक एलेक्स नाम की बहन भी मिलती है, जहाँ पर कारा ज़्यादातर अपना वक्त उसी के साथ गुजारा करती थी। और इसी के साथ अब हम व्यूअर्स को कुछ साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ कारा अब बड़ी हो चुकी है और आम लोगों की तरह ही अपनी ज़िंदगी बिता रही है। ये फिलहाल कैटको मीडिया कंपनी में काम किया करती है, जहाँ जाते ही हमें विन नाम के शख्स को दिखाया जाता है, जो कि कारा का कलीग कम दोस्त ज़्यादा है, पर विन यहाँ पर कारा को पसंद भी करता है, पर कारा के मन में विन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे विन यहाँ पर कारा को आज रात मूवी पर चलने के लिए पूछता है, जवाब में कारा बताती है कि इसे आज रात एक ऑनलाइन डेट पर जानी है। इधर इन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है, तभी यहाँ पर एंट्री होती है कैटगो की मालकिन कैट ग्रांट की, जो अभी लिफ्ट में ही होती है, पर हमारी कारा अपनी शक्ति की वजह से पहले ही ये जान जाती है कि कैट आ रही है। जिसके बाद यहाँ पर कैट आते ही कारा को अपने ऑफिस के कुछ स्टाफ की टर्मिनेशन लेटर तैयार करने बोलती है, क्योंकि कैट को इसका हर काम एग्जैक्ट टाइम पर चाहिए होता है, 1 मिनट की भी देरी इससे बर्दाश्त नहीं। आगे कैट इरिटेट होकर अपने राइवल कंपनी डेली प्लैनेट के बारे में बोलती है कि उनका सही है, उनके न्यूज़ का 54% सुपरमैन के इर्द गिर्द ही घूमती है और लोग उसे ही पसंद करते हैं, हमें भी कोई हीरो चाहिए। और फिर यहाँ पर कैट कारा को नए फोटोग्राफर के पास लेआउट लेने भेजती है, जिसने कि आज ही कैट को ज्वाइन करी है, जिससे जब कारा मिलती है तो इसे पता चलता है ये तो जेम्स ओल्सन है, जो कि डेली प्लैनेट का फोटोग्राफर और सुपरमैन का खास दोस्त है, जो सुपरमैन की 1 से 1 शॉट वाली तस्वीर डेली प्लैनेट में दिया करता था, जिसकी वजह से आज डेली प्लैनेट नंबर 1 कंपनी है, पर जेम्स को ज़्यादा पैसे देकर कैट ने यहाँ बुला लिया था। अब यहाँ चूंकि कारा अपने कज़न को बहुत याद किया करती थी, पर इसने अपनी सच्चाई दुनिया से छुपा कर रखी थी कि ये सुपरमैन की कज़न है। अब इसके बाद शाम होते ही कारा एलेक्स को बुलाती है घर पर खुद की मदद करने के लिए, क्योंकि आज कारा को डेट पर जाना था। अब यहाँ पर बातों में एलेक्स कारा को बताती है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएगी, क्योंकि इसे एक बिजनेस मीटिंग के लिए जिनेवा जाना है, और इतना बताकर एलेक्स अपना काम ख़त्म कर यहाँ से निकल जाती है। और इधर कारा भी अपने डेट के लिए, पर यह डेट कारा को कुछ खास रास नहीं आती। तभी यहाँ क्लब में चल रहे टीवी पर न्यूज़ से कारा को यह पता चलता है कि एलेक्स जिस फ्लाइट से जिनेवा जा रही है, उस फ्लाइट की इंजन फेल हो गई है। अब ये सुन कारा बहुत ही घबरा जाती है और बिना कुछ सोचे समझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उड़कर फ्लाइट के नज़दीक जाने लगती है। तब यहाँ पर कारा देखती है कि प्लेन की हालत बहुत ही बदतर होते जा रही है, बस ये कुछ ही देर में ब्लास्ट करने ही वाली है।
तब कन्हैयाप्पा दिमाग लगाते हुए प्लेन के नीचे वाले हिस्से को पकड़कर इसे सीधे नदी में ले जाकर लैंड कर देती है, जहाँ इतना सारा पानी की वजह से प्लेन में लगी आग बुझ जाती है, जिसे देख यहाँ फ्लाइट में फंसे लोग राहत की सांस लेते हैं। और एलेक्स बस चुपचाप खिड़की से कारा को देख रही होती है और आसपास पूल में मौजूद लोग कारा की तस्वीर लेने लगते हैं, जिसे देख कारा एक्साइटेड हो जाती है, पर फिर अपनी पहचान बाहर आ जाने के डर से तुरंत ही यहाँ से निकलकर सीधे अपने घर जाती है और टीवी के सामने बैठकर अपने बारे में ही चल रहे न्यूज़ देखने लगती है कि किस तरीके से इतने बड़े हादसे को एक अनजान लड़की ने रोक लिया, जिसे सुन कारा बेहद खुश होती है, क्योंकि कारा हमेशा से लोगों की मदद करना चाहती थी, ये भी अपने भाई की तरह ही सुपर हीरो बनना चाहती थी। जिसके बाद अब अगली सुबह कारा अपने ऑफिस जाती है, जहाँ सभी इस प्लेन वाले इंसिडेंट के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, पर चूंकि किसी के पास भी कारा की क्लियर तस्वीर नहीं होती है, फिलहाल यहाँ पर ये कोई नहीं जान पाता कि कल रात कारा ने ही प्लेन को बचाया था। वहीं कैट अपने सारे स्टाफ को अपने केबिन में बुलाकर इस नई लड़की के बारे में पूरी डिटेल लाने बोलती है। अब यहाँ इन बातों के दौरान जेम्स बोलता है कि ये लड़की जो कोई भी है हीरो ही होगी, तभी तो उसने बिना अपनी जान की परवाह किए इतने लोगों की जान बचाई। अब यहाँ खुद के लिए हीरो वर्ड सुनते ही कारा एक्साइटेड हो जाती है और सोचने लगती है कि ये अपनी सच्चाई किससे बताए। तभी से विन की याद आती है, जिसे कारा छत पे बुलाती है और पहले तो इधर उधर की गोल गोल बातें करते हुए आखिरकार विन को बता देती है कि लोग जिस लड़की की तलाश कर रहे हैं ना, दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि कारा ही है, जिस पर पहले तो विन यकीन नहीं करता, पर जब कारा विन के सामने उड़कर दिखाती है विन यकीन कर लेता है और एक्साइटेड भी हो जाता है कि इसकी दोस्त सुपरमैन की तरह ही उड़ भी सकती है। तब विन यहाँ पर कारा को बोलता है, अब हीरो तो तुम हो ही, बस अब तुम्हारा हम लोगों को कॉस्ट्यूम बनाएंगे ताकि तुम्हें भी लोग हीरो की तरह ट्रीट करें। आगे विन यहाँ पर बहुत सारा कॉस्ट्यूम ट्राई करवाता है कारा से और साथ ही छोटे मोटे क्राइम सीन पर भी भेजता है, पहला तो लोगों की मदद करने के लिए और दूसरा ये जानने के लिए कि आखिर एग्जैक्टली कारा कर क्या क्या सकती है। जहाँ इन्हें पता चलता है कारा उड़ सकती है, दूर की आवाज़ें जानवर की तरह महसूस और सुन भी सकती है, इसकी पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ है, और तो और भयानक से भयानक आग भी कारा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब ये देख कारा और दोनों ही एक्साइटेड होकर अपने काम को यूं ही कंटिन्यू रखते हैं। विन कारा को लोकेशन देता है और कारा वहाँ पहुँचकर लोगों की मदद किया करती है। अब इसी बीच कारा पर कोई शख्स हरे रंग के इंजेक्शन से अटैक कर इसे बेहोश कर गिरा देता है और फिर अपने साथ लेकर चला जाता है। और जब कारा को होश आता है, इसके सामने हैंक हिंसा नाम के शख्स खड़ा होता है और साथ ही इसकी बहन एलेक्स भी, जो कि कारा के बंधे हाथ को खोलती है। जब कारा के साथ हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि दरअसल ये जगह DEO है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल ऑपरेशन, मतलब कि ये लोग सिटी में जितने भी अलग घटनाएं होती हैं या फिर एलियन अटैक होता है, ये लोग उसी चीज़ को हैंडल करते हैं और एलेक्स भी यहीं पर काम किया करती है, पर आज तक एलेक्स ने इस बात को कारा से छुपा कर ही रखा था। आगे हिंसा यानी कि DEO का ऑनर से कारा को पता चलता है कि कुछ साल पहले जब कारा की पॉड यहाँ पृथ्वी पर लैंड हुई थी, इसी के साथ क्रिप्टोन प्लैनेट से एक और पॉड भी लैंड हुई थी, जिसमें क्रिप्टोन के सभी क्रिमिनल्स थे। पता नहीं वे गलती से आए थे या क्रिप्टोन पर से ही किसी ने पूरे प्लानिंग के साथ कारा के पीछे इन क्रिमिनल्स को भेजा था, वजह चाहे जो भी हो, पर आज वे क्रिमिनल कारा की वजह से यहाँ पृथ्वी पर है और कहीं पर छिपे हुए हैं, जिनमें से कई को तो DEO डिपार्टमेंट ने अपने हिरासत में ले ली, पर कई अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। और कल रात जिस तरीके से कारा सबके सामने आई है, इन्हें डर है कि वे क्रिमिनल्स भी इसके पीछे जरूर आएंगे, जिसे सुन कारा बोलती है, हाँ तो दिक्कत क्या है, मैं मदद करूंगी ना उन्हें पकड़ने में। जवाब में हिंसा बोलता है, जिसे ये नहीं पता है कि क्रिप्टोन का हरा पानी उसकी पावर को घटाती है, जिससे कि कुछ देर पहले हमने तुम्हें बेहोश किया था, तुम क्या मदद करोगी, जाओ जाकर आम इंसान की तरह रहो, एलेक्स के कारण एलियन होने के बावजूद भी तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, जिसे सुन कारा यहाँ से जाने लगती है। तब एलेक्स इससे बात करने की कोशिश करती है, पर कारा एलेक्स से इतना कुछ छुपाने के लिए गुस्सा होकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक कॉफी शॉप पर वॉर्टेक्स नाम के शख्स को दिखाया जाता है, जो कि टीवी पर आ रहे न्यूज कल रात वाली देखकर चुपचाप उठकर एक गुप्त जगह पर जाता है और अपने बॉस से बातें करता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि दरअसल कुछ देर पहले हिंसा जिन क्रिप्टोन के क्रिमिनल्स के बारे में बात कर रहे थे, ये लोग वही है, और जिनेवा जाने वाले फ्लाइट की इंजन खुद ख़राब नहीं हुई थी बल्कि वॉर्टेक्स ने ही की थी, क्योंकि उस प्लेन में सभी DEO एजेंट ही थे और जिस तरह से कारा ने उस प्लेन को बचाया था, ये लोग उसे पहचान गए थे कि ये वही क्रिप्टोन वाली एलोरा की बेटी है। एलोरा क्रिप्टोन की जज और जेलर थी,
जो इन क्रिमिनल्स को फोर्ट रोज नाम के जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उसी का बदला अब ये लोग एलोरा की बेटी यानी कारा से लेना चाहते हैं, जिसके लिए वर्टेक्स अगली सुबह कारा जब अपने ऑफिस में थी कैट से डिस्कस करते हुए कि ये न्यू लड़की जिसने प्लेन को बचाया है, कैट अब से उसको सुपर गर्ल बुलाएगी। तभी यहाँ पर वर्टेक्स कारा से टेलीपोर्टेशन के जरिए कॉन्टेक्ट कर इसे आधे घंटे में पावर प्लांट के पास बुलाता है, वरना ये सिटी में तबाही मचा देगा। जिसे सुन कारा यहाँ पर बिना अपना वक्त गवाए पावर प्लांट के पास पहुँचते है, जहाँ पहले तो वर्टेक्स कारा को सब बताता है कि आखिर क्यों कारा को मारना चाहता है, और फिर कारा पर वार करना शुरू कर देता है। अब चूंकि कारा अपनी पावर्स कई साल बाद इस्तेमाल कर रही थी, ये वर्टेक्स जैसे खतरनाक क्रिमिनल के आगे उतना टिक नहीं पाती। अब इसी दौरान कारा यहाँ पर घायल हो जाती है कि तभी यहाँ पर एलेक्स अपने एजेंट के साथ पहुँचती है, जिन्हें देख वर्टेक्स इस वक्त यहाँ से भाग निकलता है। तब एलेक्स कारा को DEO लेकर आती है और इसका घाव भरती है। तब कारा एलेक्स से पूछती है, क्या तुम जानती थी कि मेरी मॉम का नाम एलोरा था और वो जज थी? जवाब में हाँ में सिर हिलाते हुए एलेक्स बोलती है, यही कारण था, तभी तो मैं तुम्हें दुनिया के सामने ही आने से मना कर रही थी। जिसे सुन कारा यहाँ पर मायूस होते हुए निकल जाती है, ये बोलकर कि ये बेकार में एक्साइटेड थी, यहाँ के लोगों को तो इसकी जरूरत ही नहीं है, मेरी वजह से और प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रही है। जिसके कुछ देर बाद एलेक्स कारा के पास घर आती है और कारा को एक गैजेट देती है, जिसमें कारा के लिए इसकी मॉम ने मैसेज छोड़ा था और DEO टीम को ये गैजेट कारा के पॉड में मिला था। अब यहाँ अपनी मॉम की मैसेज सुन कारा काफ़ी भावुक हो जाती है, क्योंकि इस मैसेज में एलोरा कारा को बताती है कि सफल इंसान वही होता है जो हार मानने के बावजूद भी ना अपना रास्ता ढूंढ निकालता है, हार कभी नहीं मानता है। जिसे सुन अब यहाँ पर एलेक्स भी कारा को समझाती है कि मैं पहले तो दुनिया से डरती थी कि तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें खतरनाक हो सकती है, पर चूंकि तुम्हारी माँ ये चाहती ही थी, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि अब से तुम भी हमारे साथ काम करो और उन एलियंस को पकड़ने में हमारी मदद करो। जिसके बाद अब ये दोनों बहनें DEO आती है, जहाँ इन्हें जैसे वर्टेक्स का लोकेशन मिल जाता है, यहाँ पर कारा निकल पड़ती है उसे पकड़ने के लिए और सीधे जाकर वर्टेक्स की गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है, जहाँ वर्टेक्स की गाड़ी कारा से टकरा कर कई हिस्सों में बढ़ जाती है और वर्टेक्स सीधे बाहर आकर गिरता है। और फिर यहाँ शुरू होती है कारा वर्सेस वर्टेक्स की दमदार वाली फाइट। अब यहाँ वर्टेक्स के खास हथियार को स्कैन कर DEO से ही एलेक्स कारा को बताती है कि वर्टेक्स को हराना है ना, तो पहले इसके हथियार को नष्ट करो, जो सिर्फ किसी गर्म चीज जैसे कि आग से नष्ट हो सकती है। अब ये सुन कारा यहाँ पर वर्टेक्स को गुमराह करके उसके खास हथियार को खुद पर अटैक करवा कर वर्टेक्स के हथियार को अपने नज़दीक लाती है और फिर अपनी आँखों से तेज लेयर लाइट जैसे प्रकाश निकालती है, जिसकी गर्मी से वर्टेक्स के हथियार यहीं पर ब्लास्ट कर नष्ट हो जाती है और वर्टेक्स यहाँ से दूर जाकर गिरता है। जिसे जब कारा पकड़ने जा रही होती है, तब वर्टेक्स अपने ही हथियार के टूटे हिस्से से अपने सीने में डाल लेता है और मर जाता है, ये बोलते हुए कि अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मेरे मरने से सब ठीक हो गया है, तो तुम गलत हो, अभी तो कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जिसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। वहीं अब आगे यहाँ हम हिंसा को देखते हैं, जो कि अभी भी कारा से उतना इम्प्रेस नहीं हुआ है। तो अब एपिसोड के आखिर में DEO से निकल कर कारा जब अपने ऑफिस जाती है, जेम्स कारा को छत पर बुलाकर बोलता है कि कारा की असली पहचान क्या है और ये सुपरमैन की कजन है, ये सब जेम्स को भी मालूम है। दरअसल जेम्स को कैट को सुपरमैन ने ही भेजा था कारा के आसपास रहने के लिए, क्योंकि सुपरमैन भी ये चाहता था कि उसकी बहन कारा भी उसी की तरह हीरो बनकर लोगों की मदद करे। अब ये सुन कारा को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद कारा विन और DEO टीम के साथ मिलकर नेशनल सिटी की सुरक्षा में लग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी ना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसे देखने के लिए ना आप हमारे साथ यही बने रहे। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और मुझे एज यूजुअल आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।